हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे वाह, अच्छी खासी ट्रेनिंग सीखी तुमने। हाँ, सीखना जो पड़ा। क्या है ना कि तुम तो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते हो, तो सोचा इसी बहाने तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे ले चलूं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम अकेले रोमांटिक हो? मैं भी तो रोमांटिक हूँ। नहीं जनाब, हमें पता है कि आप रोमांटिक हो। याद है मुझे वैलेंटाइन्स पे आपने मुझे 1000 रेड रोजेस गिफ्ट किए थे। अरे रुको, नहीं तो रुको। गाड़ी रुको, गाड़ी रुको, रुको, बचाओ, बचाओ। नीतू, हमें इस औरत की मदद करनी चाहिए। बचाओ, बचाओ, बचाओ। कैसे हुआ ये सब? क्या हुआ आपको? हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। इतना वक्त नहीं मेरे पास। उसको बोलने की कोशिश करो। ओ गॉड, अरे ये तो मर चुकी है। और लगता है इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ। देखो, इन्हें गोली लगी है। हाँ, लगता है सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। सिर्फ छाती में गोली लगी है, शरीर पे कहीं किसी और चोट या जख्म के निशान नहीं। पर्स या मोबाइल फोन भी नहीं है साथ में? नहीं सर। आप पंकज, स्टेटमेंट लिए हैं दोनों का? सर, इस औरत ने मरने से पहले अपना नाम वगैरह कुछ बताया था क्या? नहीं सर, इन्होंने तो कुछ बताया नहीं है। और वैसे भी इनके पास वक्त ही कहा था अपना नाम बताने के लिए। पता नहीं कब से जख्मी थी बेचारी। आप लोग अपनी गाड़ी से यहाँ इस तरफ से आ रहे थे? हाँ। आपने आसपास किसी को देखा? नहीं सर, जब हम लोग यहाँ पे थे तो हमारे अलावा यहाँ पे और कोई मौजूद नहीं था। हमने पूछा भी ये सब कैसे हुआ, पर वो तो किसी को बचाने की गुहार कर रही थी। ना जाने कोई है जिसकी जिंदगी खतरे में है। ये तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा जहाँ पे इस औरत पे हमला हुआ है। निखिल सर, यहाँ आसपास में चेक करो। सर, ये देखो, खून की बूंदें। सर, इसका मतलब उस औरत को यहीं कहीं गोली मारी गई। हो सकता है। लो आगे देखते हैं। सर, ये तो कभी नहीं सोचा था कि इतनी सुनसान जगह पे किसी का घर होगा। काफी सुनसान घर है, और ऐसे ही जगह मुजरिमों के अड्डे होते हैं। चलो देखते हैं। संभाल के, हमें पता नहीं है कितने लोग हैं अंदर और क्या क्या हथियार है उनके पास। सर, मैं खिड़की से अंदर जाऊं। तो कोई भी नहीं है। लगता भाग गया। जरा देखो घर की तलाशी, शायद कोई सुराग छोड़ गए हो। सर, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ओके। ये क्या? चेयर, ये रस्सी? सर, शायद यहाँ पे उसी को बांध के रखा गया हो जिसे बचाने के लिए वो औरत कह रही थी। ये भी तो हो सकता है कि उस औरत को यहाँ पे बांध के रखा गया हो, जब वो अपने आप को बचा के यहां से भागने लगी तो किसी ने उसे गोली मार दी। सर, ये देखिए, बच्चे का जूता मिला। सर, बच्चे का जूता? कहीं कोई बच्चा मुसीबत में तो नहीं है?
सर कहीं ये बच्चा उसी औरत का तो नहीं? हो सकता है, इस बच्चे को बचाना होगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। चलो ये आवाज कहां से आ रही है? यहां से आ रही है, डिक्की से तो नहीं आ रही है। सीआईडी सर, इस लड़की की पूरी कुंडली मिल गई। उस लड़की का नाम काम्या है और वो पुरानी मुजरिम है। बड़ी बड़ी गैंग का साथ दिया इसने लूटपाट करने में सर। 2 महीने के लिए जेल में थी, फिर जमानत पर रिहा हुई, अभी फरार। सर अगर ये खुद मुजरिम थी तो इसे किसी दूसरे मुजरिम ने गोली क्यों मारी? कोई भी वजह हो सकती है फ्रेडी। हो सकता है इसने धोखा दे दिया हो तो गैंग वालों ने इसका बदला ले लिया, या फिर इसके अंदर का अच्छा इंसान जाग उठा तो सोचा विक्टिम को मदद कर ले। मरने से पहले कह रही थी ना किसी को बचाना है। सर सर, ये बच्ची बेहोशी की हालत में है। बेटा कौन है आप और क्या हुआ इसको? सर मेरा नाम सुरेश है और ये बच्ची मुझे मेरे गाड़ी के डिक्की के अंदर मिली। डिक्की में? सीआईडी बड़बड़ा रही थी इसलिए मैं इसे आप लोगों के पास ले आया। अरे यार इसकी हालत देखो, इसको पहले आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सर मैं बहुत घबरा गया था, हड़बड़ी में मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर ये बेहोश है पर इसकी नब्ज बहुत धीमी चल रही है। जल्दी हॉस्पिटल ले चलो, जल्दी। संभल के। आपको चॉकलेट पसंद है ना? बेटा एक बात बताओ, तुम कहाँ रहती हो? श्यामनगर। श्यामनगर में कहाँ पे? मुझे नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारे घर में और क्या क्या है? एक बड़ा सा स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, आप गायब कैसे हो गए? जब हम स्कूल बस से उतर रहे थे तब एक बुरे अंकल ने मुझे उठा लिया। कहाँ ले गया तुम्हें? और एक डरावने से घर में ले गए जो जंगल में था। सो कहीं ये उसी घर की बात तो नहीं कर रही जहाँ पे कामिया थी? हो सकता है। अच्छा बेटा फिर आप बाहर कैसे आए वो गंदे से घर से? एक आंटी ने मेरी मदद की थी, कोई बुरे अंकल ने मार दिया। ये देखो बेटा, ये वो आंटी थी। हाँ। थैंक यू बेटा, अब हमें ना आपसे फिर आके मिलेंगे क्या? और ढेर सारे चॉकलेट लेकर आएंगे। ओके बाय बाय। सर इसकी यूनिफॉर्म से उसके स्कूल का पता चल जाएगा। इनकी के स्कूल में जाते हैं, घर का पता लेते हैं। मनोहर ऑफिस के रजिस्टर में से पिंकी कुमार का एड्रेस लेकर आओ। यस सर। लेकिन पिंकी किडनैप हुई कैसे? क्योंकि आखिरी दिन तो स्कूल की बस ने उसे घर तक छोड़ा था। शायद बस से उतरने के बाद और घर पहुंचने से पहले ही हादसा हुआ होगा। पिंकी बहुत उत्सुक थी, 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करने वाली थी वो। फिर मैंने सोचा कि वो तो नहीं आएगी इसलिए किसी और बच्चे को ये जिम्मेदारी दे देता हूँ। नहीं नहीं पिंकी जरूर आएगी और कल आकर तिरंगा फहराएगी, ये हमारा वादा है। सर पिंकी का एड्रेस ये लीजिए। श्यामनगर। जी कहिए क्या काम है? सीआईडी दरवाजा खोलो। किससे मिलना है आपको? ये मिस्टर जीत का घर है ना? हाँ। दरवाजा खोलो, हमको पिंकी के बारे में कुछ बात करनी है। पिंकी साहब मिल जा। सीआईडी मैसेल्फ जीत। वैसे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ आपकी बेटी पिंकी के बारे में खबर देने आए। ये पिंकी आपकी बेटी?
जी नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। शायद आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो रही है। क्या ये आपकी बेटी नहीं है? जी नहीं। तो फिर ये रो क्यों रही है? वो भाभी डिप्रेशन में है। एक मिनट, अगर पिंकी आपकी बेटी नहीं है तो इसके स्कूल में यहाँ का एड्रेस कैसे लिखा हुआ है? एड्रेस गलत भी तो हो सकता है ना। देखिए, अगर आप लोग किसी मजबूरी में आके झूठ बोल रहे हैं तो घबराइए मत, जो कुछ भी है साफ साफ बताइए हमें। अरे अजीब जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं पहचान लेता ना उसे। देखिए सर, आप लोग यहाँ से चले जाइए, हमारी फैमिली वैसे ही बहुत टेंशन में है। क्या टेंशन? देखिए, ये हमारी पर्सनल मैटर है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन अगर आप लोग किसी दबाव में हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि पिंकी ठीक ठाक है, और जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते वो हमारे पास सुरक्षित रहेगी। बड़े बड़े केस सॉल्व किए पर आज तक आप जैसे लोग नहीं देखे। वो बच्ची वहां रो रही है, वो अपने घर अपने घर वालों के पास आना चाहती है, पर आप उस बच्ची को अपनाना नहीं चाहते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, मेरी बीवी ऑलरेडी डिप्रेशन, आप ऐसी कहानियां सुनाकर उसे और परेशान मत कीजिए प्लीज। देखिए, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके, आप प्लीज यहां से चले जाइए। आप ठीक है, हम पिंकी को जाके कह देते हैं कि अब वो अनाथ है, उसका कोई घर नहीं और उसके कोई माँ बाप नहीं। नहीं, मेरी पिंकी अनाथ नहीं है, मैं हूं ना, मेरी बच्ची है वो, मेरी बच्ची है। चलिए, कम से कम आपने तो सच माना। आइए, आपको पिंकी के पास ले जाते हैं। सर आप प्लीज समझे, हम इस वक्त पिंकी के पास नहीं आ सकते। अरे किससे डर रहे हैं आप लोग, किडनैपर से? एक बार साफ साफ बताइए हमें। देखिए, फिलहाल हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, आप अभी यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। हद करते हो आप लोग, इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं सुन रहे। जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है बॉस, वरना कोई भी परिवार अपने 5 साल के बच्चे के साथ ऐसा सलूक थोड़ी ना करेगा। बड़ी मजबूरी होगी, वरना ये लोग तो पिंकी को यहाँ बुलाने पे भी घबरा रहे हैं। लेकिन सर क्या मजबूरी हो सकती है, कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। पता चल जाएगा निखिल, इस घर में जितने भी लैंडलाइन और मोबाइल फोन है ना, सबको टैप करवा दे। हर परिवार के एक ही सदस्य पर कड़ी नजर रखी होगी। ऑटो वाले भाई साहब, आप सही पते पे लेके आए हो ना, गलत जगह तो नहीं ले आए? ओ सही है मैडम जी। ओ आ बताओ, पैसे कितने हुए? बस 155 रुपए हुए। 155 रुपए? आप हमसे ऑटो का भाड़ा मांग रहे हैं, हमारी शादी का शगुन? ओ लाजो बस करना। मैडम जी, ममता नगर से लेके आए हैं, आपको पता है ना कितनी दूर है, मीटर का जो हिसाब है देख लो। तुम्हारा ना मीटर ये खराब हो गया। ओ लाजो रहने दे ओए, मैं बात कर रही हूं ना। ओ जी शंभू जी, आ लो जी तुम्हारे 155 160 रुपए। ओ जी छुट्टे नहीं है। अब इसके पास छुट्टा भी नहीं है। ओ लाजो रहने दे मैं। ओ तुसी शंभू जी, तुसी जाओ। ओ तुसी जाओगे नहीं ना तो लड़ती रहेगी, शाम हो जानी है। जाओ जी, बैग लेके चले ऐसी साडा। ओ लाजो साडी पड़ोसी आ रही है, अब उसके सामने चपड़ 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 बंद कर। मैं चपड़ चपड़ करती हूँ, मैं चपड़ चपड़ करती हूँ, ऐसी बातें करोगे आप हमसे? नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते बहन जी, मेरे हस्बैंड बड़े मजाकी हैं। बचपन से ऐसी है। हम आपके नए पड़ोसी, अभी यहाँ पे रहने आए हैं, कैसे हो आप? कहीं मैंने ज्यादा ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? नहीं ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी। लाचो जी वैसे लग जाओ काम पे, इस कैमरे को ऊपर सेटअप कर देना उस तरफ। यस सर। सब रेडी है? ठीक है, देखते हैं कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। कैमरा तो काम कर रहा है। चलो एक मिनट, लैंडलाइन पे फोन आ रहा है।
हेलो हेलो, मैंने तुम्हें शाबाशी देने के लिए फोन किया है। सीआईडी के सामने अपनी जबान बंद रखने की शाबाशी। अगर उनसे कुछ भी कह देते तो हमेशा हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो बैठते। देखो, हम तुम्हारी बात मानेंगे, कुछ नहीं कहेंगे सीआईडी से, बस हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। शाबाश, ऐसे ही मेरे इशारों पे नाचते रहना, वरना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि पिंकी कौन से हॉस्पिटल में है। जब चाहूँ उसकी जिंदगी की बटन बंद कर सकता हूँ मैं। नहीं, देखो मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं होगा, बस शाम तक पैसे लेकर आ जाना उसी पुरानी वाली जगह पे, ठीक है ना? ठीक है। कमाल है सर, इस किडनैपर को तो सब कुछ पता है हमारे बारे में। एक काम करो, पता लगाओ ये फोन कहाँ से आया है। सर, तब तक मैं अफसर को इन्फॉर्म करता हूँ। अर्जुन, ये किडनैपर बहुत तेज है। इसे ये भी पता है कि हम लोग पिंकी के घर गए थे, और ये भी जानता है कि पिंकी कौन से हॉस्पिटल में है। ओ, मतलब मजरिम ने या तो पिंकी के घर में कोई कैमरा फिट किया है, या फिर कोई बग वगैरह लगाया होगा, या ये भी हो सकता है कि कोई सगे वाला ही मिला हुआ हो मजरिम के साथ। ठीक है, तो मुझे अपडेट देते रहना। ठीक है। ठीक है सर। सर, किसी प्राइवेट नंबर से कॉल किया था किडनैपर ने, इसका लोकेशन ट्रेस नहीं हो रहा है सर। प्राइवेट नंबर से? बहुत तेज है ये, लेकिन हमसे बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। सर, पिंकी की चाची रोमा के मोबाइल फोन पे एक कॉल आ रहा है। हेलो। जल्दी मिलने आओ, बाद में नहीं मिल पाऊंगा। अभी नहीं मिल सकती मैं। क्यों? यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। शहर से बाहर जा रहा हूँ मैं, बाद में नहीं मिल पाऊंगा। ठीक है, आती हूँ। मालूम है ना कहाँ आना है? हाँ हाँ, पहुंच रही हूँ। देसर को इन्फॉर्म करो जल्दी। आ जाओ बंदी। सर, ये जो पिंकी की चाची है ना रोमा, सर उसके मोबाइल फोन पे एक आदमी का कॉल आया था। लगता है दोनों के बीच कोई खुफिया खिचड़ी पक रही है। खुफिया खिचड़ी? जी सर, मिलने भी जा रही है थोड़ी देर में उससे। ठीक है, हम लोग देखते हैं ये खिचड़ी खाने जाती कहाँ है। ओके। आइए। अरे सर, काफी परेशान लग रही थी। अभी पता चल जाएगा किस बात की परेशानी है इसे। हेलो, बार बार फोन मत करो, कहाँ ना रास्ते में हो। अरे तो ट्रैफिक है यहाँ पर, उड़कर थोड़े आ जाऊंगी। भैया थोड़ा जल्दी चलाओ। रुको रुको रुको, राजन बिहार चलो। इस लिफाफे में जरूर अचार होगा जो खुफिया खिचड़ी के साथ खाया जा सकता है।
एक काम करो, तुम इस आदमी का पीछा करो, मैं देखता हूँ ये कहाँ जा रहा है। सर इस घर में काफी समय से कोई आया नहीं है। अचानक कहां गायब हो गई? तुम्हें काम करो, उस आदमी को पकड़ के ब्यूरो लेकर आओ, ठीक है? ओके सर, पकड़ लाए इस तीतर को। फड़फड़ा उड़ने की बहुत कोशिश कर। मुझे क्यों लाया गया सर? रोमा से क्यों मिलने गए थे तुम? किसी से मिला गुनाह है क्या? उल्टा जवाब मत दे, जितना पूछा जाए उतना पता। रोमा ने तुझे उस पैकेट में क्या दिया था? आपको आपको पैकेट के बारे में पता है? कहां है वो पैकेट? सर पैसे और पिंकी की फोटो। किस लिए दिए थे ये पैसे? सर मुझे नहीं पता सर, उसने मुझे बस पैकेट आगे किसी को देने के लिए बोला है सर। सर पिंकी की फोटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है। माय गॉड, किल हर, मारो इसे। क्यों क्यों मारना चाहती है रोमा इसे? कहा है रोमा? दोबारा तुम नहीं मिल पाओगे। गाँव जा रहा हूँ मैं, राखी में बहन से मिलने। रक्षाबंधन के लिए बहन से मिलना चाहते हो ना, तो फिर बताओ तुमसे मिलने के बाद रोमा उस सुनसान घर में किस लिए गई थी? सवा की मुझे कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता। ये पैकेट किसे देने के लिए कहा था? इसको सब उससे कहा था कि ये पैकेट संभाल के घर की अलमारी में रख दो, और मुझे कॉल करके बताने वाली है कि ये पैकेट कब और किसे दे रहा है। लो सर, रोमा का फोन तब हमारे पास, तो फिर इसे फोन करके बताएगी किसे? सब बताएगी रोमा इसे, कोई ना कोई तरकीब तो जरूर ढूंढ निकालेगी वो इसे बताने के लिए। सर हो सकता है रोमा के घर वालों को पता हो कि रोमा कहाँ है। रोमा, अरे आप लोग फिर से यहाँ आ गए। अरे हम लोग आपको बता चुके हैं कि हमें आपसे बात नहीं करनी, तो नहीं करनी ना भाई। सिर्फ ये बताने आए कि हमें किडनैपर के बारे में पता चल गया है, और अफसोस वो हमारे हाथ आते आते रह गई। कौन कौन है वो? छोटी चुप रहो। मुनकर भैया, हमें कुछ नहीं सुनना। आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी बीवी रोमा ही है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए? जब हमने आपको कह दिया है कि हमको कुछ नहीं सुना, तो आप क्यों आ जाते हैं बार बार? हम यहाँ पर आते हैं क्योंकि हमारा काम है। यहाँ पे एक क्राइम हुआ है, एक बच्चे की किडनैपिंग हुई है, और आप लोग उस बच्चे को अपनाने से इनकार करते हैं, और आप उस बच्चे की चाची, वो भी अचानक गायब है। देखिए वो कहीं गायब वगैरह नहीं,
समझ रहे हो ना आप लोग? अच्छा बुलाइए उन्हें, मैं बात करनी है। वो यही कही अपने पर्सनल काम से कही, जब आ जाएगी तब मिल लीजिएगा। अच्छा पर्सनल काम से बाहर गई, उसने अपना ये मोबाइल छोड़ दिया। आप मेरी बीवी का पीछा कर रहे थे? हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप लोगों की चुप्पी की वजह से हमारा काम मुश्किल में पड़ गया। अगर आप लोगों ने हमारे साथ सहयोग किया होता तो अभी तक वो मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे होता। देखिए आप हम लोगों से किसी भी सहयोग की उम्मीद मत रखिए। देखिए हम यहाँ आपकी मदद करने के लिए आए। देखिए हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे ना आप? पर रही रोमा की बात, अगर वो इसमें इन्वॉल्व होगी तो भी हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हमारा फैमिली मैटर। सीआईडी का केस किसी का फैमिली मैटर नहीं होता, जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। नमस्ते कविता जी। नहीं 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 रुकिए, नहीं चलते रहिए, हम बातें चलते चलते भी कर सकते हैं। मैं सीआईडी से हूँ, इंस्पेक्टर श्रेया। सीआईडी फिर से? कविता जी आपकी बेटी हॉस्पिटल में है, आप एक बार भी उससे मिलने नहीं गई। आप अपने साथ और उस बच्ची के साथ ये अन्याय कैसे कर सकती हैं? अगर हमारी बच्ची को कुछ हुआ ना तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। कविता जी आप बेफिक्र रहिए, जब तक सीआईडी आपके साथ है आपकी बेटी पिंकी को कुछ नहीं होगा। मैं पिंकी की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर? निक्की की फिक्र है मुझे। निक्की कौन है? रोमा की बेटी, उसे भी किडनैपर्स ने किडनैप किया है, इसीलिए तो हम आपसे कह रहे हैं कि रोमा मुजरिम नहीं है। वो पैसा वाला पार्सल जिसमें पिंकी की फोटो थी वो? ये सब मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि रोमा कोई भी गलत काम नहीं कर सकती है। अब समझ में आया, आप लोग पिंकी को पहचानने से इनकार कर रहे थे क्योंकि आप लोगों को निक्की की जान की फिक्र थी। ये बताइए कि निक्की गायब कहाँ से हुई थी? अपने प्ले ग्रुप से। ये प्ले ग्रुप कहाँ है? निक्की ना जो केजीडी में पढ़ती है। वैसे किडनैप होने से पहले निक्की आखिरी बार दिखी थी आपके यहाँ स्कूल में? स्कूल से किडनैप नहीं हो सकती, मुझे अच्छी तरह याद है बुधवार को छुट्टी होने के बाद बाकी बच्चों के साथ वैन में बैठ के घर के लिए निकल गई थी। उस वैन के ड्राइवर को बुलाएंगे प्लीज। जी हेमंत को भेजना जरा अंदर। हेमंत ये सीआईडी वाले हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। सीआईडी? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया मैम। मैं घबराओ मत, सिर्फ ये बताओ बुधवार को बाकी बच्चों के साथ निक्की को भी तुम घर छोड़ने के लिए गए थे ना, तो क्या निक्की को तुमने घर के अंदर छोड़ा, उसके घर के अंदर या बिल्डिंग के गेट पर? सर बच्चों को सही सलामत छोड़ना तो आया का काम होता है, शायद आया नहीं छोड़ा होगा अंदर। कहाँ है आया आपकी, बुलाइए जरा। सर वो तो गुरुवार से काम पर ही नहीं आई है। आया गुरुवार से काम पर नहीं आई, क्या नाम है उसका? शीला। उसका एड्रेस, फोन नंबर या फिर उसका फोटोग्राफ वगैरह आपके रिकॉर्ड में तो होगा? जी एक मिनट। ये रही उसकी फोटो और एड्रेस। सर ये तो काम्या है, आप पहचानते हैं इसे? ये कोई आया वाया नहीं है, क्रिमिनल है, क्रिमिनल। क्या? जब आपने इस आया को काम पर रखा था तो इसका वेरिफिकेशन किया था, पुलिस वेरिफिकेशन? सर दिखने में तो शरीफ ही लग रही थी इसलिए। जब आप एक आया को यहाँ नौकरी पर रखती हैं बच्चों का ख्याल रखने के लिए तो उसका वेरिफिकेशन करना चाहिए। सॉरी सर। शीला, कामिया, आया। सर कामिया के घर पे तो ताला लगा है। सर हो सकता है कामिया यहाँ अकेली रहती थी, उसके परिवार में शायद कोई नहीं होगा। निखिल सर ताला खोलो। देखो जरा लाइट का बटन कहाँ है, ऑन करो। देखो जरा इस
घर का एक एक कोना छानो और एक एक इंच देखो, देखो कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। संदूक छुपा के रखा है। जरूर इस बक्से में कुछ चीज है। खोलो खोलो इसे। के पैसे होंगे गलत काम के, इसीलिए तो ऐसे छुपा के रखा है बक्से में। सर कहीं ये पैसे निकी की किडनैपिंग के लिए तो नहीं लिए गए? देखो सर बक्से के अंदर और कुछ मिल पाए क्या? अच्छी तरह से देखो। नहीं सर, बैग में और इस बक्से में कुछ भी नहीं। एक मिनट एक मिनट, ये क्या है? शायद बैग का ब्रांड हो। और भी कुछ हो सकता है फ्रेडी, फोरेंसिक से पता चल जाएगा। ले चलो बैग। असल में पता चला क्या छपा है यार? बता ना जल्दी। अरे देख रहे हो ना, काम कर रहा हूँ ना, वही काम कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ ना। इतनी देर से यही चल रहा है तेरा? इतनी देर से और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं बॉस। और कितना टाइम लगेगा? दो मिनट बस, शांति से दो मिनट आप खड़े रहेंगे तो बड़ा एहसान होगा मुझ पर। यस सर। अब इस पर जो भी छपा है इसकी सारी कुंडली साफ हो जाएगी। ये लो बॉस, ये है उस बैग पर कंपनी का नाम। खुश हो आप? रेडी? खुशी से लेकर और उस टेबल पे रख दो। सालू के साहब, ये कौन सी भाषा में लिखा है, चाइनीज या जापनीज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बॉस अब देखो रेडी, ना ये कोई चाइनीज भाषा है ना जापानीज। इधर सोलंकी साहब ने ये मेरा इसलिए मंगवाया था, ये जो अल्फाबेट्स है ना ये सारे उल्टे लिखे हैं। अब वहां देखो उस परछाई में देखो। हाँ समझ में आ गया क्यों मंगवाया था मैंने। मेरा TMK अकेडमी। सर सर, TMK अकेडमी कोई ब्रांड नहीं हो सकता बैग का, ये जरूर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का नाम है। TMK अकेडमी, पता लगा TMK अकेडमी के बारे में। ये TMK अकेडमी का स्टैंड आप ही की अकेडमी है ना TMK, और ये बैग से कटा हुआ टुकड़ा इस बैग से, ये बैग ये आप ही के एकेडमी की है। तो जरा बताइए ये बैग्स किस किस को दी जाती है? ये बैग्स तो एकेडमी के स्टूडेंट्स और टीचर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फिर उस औरत के पास ये बैग कैसे आया? ये तो साक्षी है, कुछ दिनों पहले तक ये यहीं काम किया करती थी। क्या काम क्या करती थी साक्षी? चाय बनाना वगैरह। अच्छा तो अगर साक्षी के पास ये बैग थी मतलब पूरे स्टाफ को दी जाती है ये बैग? जी नहीं सर, ये एकेडमी के सिर्फ टीचर्स और स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड किए जाते हैं।
पता नहीं इसके पास कहां से आ गया ये बैग। जितने ऑफिस या गोडाउन में कोई एक्स्ट्रा बैग पड़ा हो। जितने स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं उतने ही बैग मिलते हैं हमको गिनती से सर। तो फिर हो सकता है किसी स्टूडेंट ने या फिर टीचर ने बैग दी हो साक्षी को, और शायद उसी ने साक्षी के साथ जुर्म में मदद भी की। जुर्म? हाँ बाद में बताते, पहले आप मुझे सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स की लिस्ट दीजिए। जी सर। जल्दी चलो, हम लोग वक्त पर तो पहुंच जाएंगे ना। देखो तुम घबराओ मत कविता, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बैठो। लीजिए सर। अच्छा ये भी है इस लिस्ट में। अब हो गई ना कहानी दिलचस्प, अब देखते हैं। सर लगता है ये चीत और कविता किडनैपर्स का इंतजार कर रहे हैं। ये किडनैपर्स को आने तो दो, फिर देखते हैं। अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग? कहीं उन लोगों ने अपने आने का इरादा तो नहीं बदल दिया ना? अरे ऐसे कैसे होगा, जब पैसे के लिए बोला तो आते ही होंगे। आएंगे, तुम चिंता मत करो, धीरज से काम, आते ही होंगे। हेलो, आ रघु बोलो। हाँ ओ ये बात है, ठीक है या थैंक यू। क्या क्या पता चला? सर एक एक्सीडेंट में मुजरिम के माँ बाप मारे गए थे और उसके जिम्मेदार पिंकी के माँ बाप हैं। अच्छा तो इतना बड़ा प्लानिंग माँ बाप के एक्सीडेंट का बदला लेने के लिए। बच्ची का पैसे निकालो पहले। आपने तो कहा था पहले। अरे बच्चा दूंगा, पहले पैसे निकालो। हाँ पैसे। लेकिन हमारी बच्ची। अरे पहले पैसे निकालने दो। ये बच्ची सुनी और जल्दी है भागने की, मजबूरी के पैसे हैं, हजम नहीं होंगे। चल साहब माफ कर दो मैं साहब, हम लोग भाड़े के गुंडे साहब, असली खिलाड़ी तो और कोई है साहब। असली खिलाड़ी कोई और है? बताया मैं असली खिलाड़ी कौन है, सिर्फ इतना बता बच्ची कहाँ है? निक्की बॉस के पास है साहब। अच्छा एक काम कर, बॉस को फोन लगा और बोल तू ये पैसे लेके आ रहा है। शाबाश, ये रही फिरौती की रकम। इसे इसका हिस्सा दो और जाने दो। हमें हमारा हिस्सा भी मिलना चाहिए, ये पैसे यहाँ तक पहुँचाने में हमने बहुत मदद की। सीआईडी भून डालो इन्हें।
ईशा तुम? शाहजी, पैसे का लालच ठीक नहीं। मुझे सब कुछ ईशा ने करने के लिए कहा था। रोमा पे इल्जाम लगाया, वो झूठा था। रोमा से पैसे मैंने इसलिए लिए ताकि मैं निकी का पता लगा सकूं। ईशा, तुमने ऐसा क्यों किया? अपने ही परिवार की पीठ पर छुरा घोंप दिया। ये सब मैंने अपने माँ बाप के मौत का बदला लेने के लिए किया है। ईशा मेरी बहन, देखो ये सब बातें सीआईडी ने हमें बता दी, लेकिन एक बात तुम भी जानती हो कि ये जो भी हुआ, ये एक्सीडेंट था, हादसा था, एक भले ही गलती से हुआ हो, पर आपकी एक गलती की वजह से मैं अनाथ हो गई। तभी मैंने सोच लिया था मैं आपके बच्चों को आपसे छीन लूंगी और उन्हें मार दूंगी। शर्मानी चाहिए तुम्हें, बदले की भावना में इतनी अंधी हो गई कि मासूम बच्चों को सजा दे रही थी तुम। पिंकी और निकी को किडनैप किया, उन मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया तुमने, और तो कामिया का खून कर दिया। तुम्हें कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। और अब मैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे स्कूल की सबसे बहादुर बच्ची पिंकी को, जो यहां मौत के मुंह से लड़कर वापस आई है। पिंकी हमारे स्कूल के लिए और सभी बच्चों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है कि किस तरह से संकट के समय में भी धीरज को ना खोया जाए, बल्कि बहादुरी और हिम्मत के साथ ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जाए। आओ पिंकी बेटा। पिंकी बेटा, तुम्हारा सपना था ना स्कूल में तिरंगा फहराने का। हाँ बेटा, तो जाओ अपना सपना पूरा कर लो। नहीं अंकल, आप सबको भी आना पड़ेगा। बेटा ये आपके स्कूल का फंक्शन है, आप जाओ, है ना? सर आप लोग भी आ जाइए ना, क्योंकि बच्ची अगर आज यहाँ है तो सिर्फ आप ही लोगों की बदौलत है। आओ पिंकी बेटा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.